खबरों की ओर रुख करते हैं। देखिए भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, कोरोना संक्रमित सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अच्छे से नींद ली है, हेल्थ बुलेटिन जारी कर ये बात बताई गई। कल शिवराज की सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के परिवार की हालांकि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। परिवार के 3 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, पत्नी साधना सिंह, बेटे कार्तिक है और कुणाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम हाउस में होम क्वारंटाइन है टीम। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़ चुके हैं। वासु, कोरोना संक्रमित सीएम शिवराज सिंह चौहान का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, स्वस्थ हैं वो अभी और क्या कुछ इस हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक चिंता की लहर थी। लेकिन जब शाम को और फिर बाद में उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया तो इससे राहत की खबर सामने आई है कि शिवराज सिंह चौहान की जो तमाम दूसरी जाँचें हुई हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की हो और इससे संबंधित जितनी भी जाँच है, वो सभी नॉर्मल आई हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार बेहतर बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने अच्छी नींद भी ली है और वो लगातार सक्रिय भी हैं, बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से भी चर्चा में बने हुए हैं, मंत्रियों से भी बने हुए हैं, जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुपस्थिति में। प्रदेश की जो बागडोर है और कोरोना की समीक्षा है उसे करने को लेकर उनसे भी शिवराज सिंह चौहान लगातार संपर्क कर रहे हैं। और एक बड़ी राहत की खबर ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान का जो परिवार है, उनकी पत्नी और दोनों बेटों की जो रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव पाई गई है, तो ये एक बड़ी राहत है। इसके साथ ही अब इंतजार उन मंत्रियों की रिपोर्ट का भी किया जा रहा है जो 1-to-1 चर्चा के दौरान सीएम शिवराज के संपर्क में आए थे, और उन तमाम सारे अफसरों का जो लगातार शिवराज सिंह चौहान के साथ काम कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट का और इंतजार है। जल्द ही उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और इसके बाद ये तय हो जाएगा कि संक्रमण कितने वीवीआईपी तक फैला हुआ है। लेकिन करिश्मा, फिलहाल बड़े राहत की बात ये जरूर है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन इसके अलावा जो तमाम सारी जो उनकी दूसरी जांच की गई है वो नॉर्मल बताई जा रही है और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर है। उन्हें किसी तरीके की कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, ऐसा हमें जानकारी मिल रही है। और लगातार वो सक्रियता के साथ अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टरों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम विशेष तौर पर उनके पूरे स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रही है, निगरानी बनाए हुए हैं। चलिए, ये राहत भरी खबर सभी प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि लगातार उनकी अच्छी हेल्थ के लिए यहाँ पे कामना की जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वासु जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोरोना संक्रमित सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा है। हालांकि कल ये हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि उनकी जो सभी रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के परिवार की हालांकि जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। परिवार के 3 सदस्य जिसमें पत्नी साधना सिंह, बेटे कार्तिक और कुणाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सीएम हाउस में तीनों होम क्वारंटाइन है।